और यहाँ पर ना आज बन गया मशीन लेके जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा, आप इसे ना चूड़ियों के बीच में डाल करके पहनोगे ना, ये बहुत। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दी चैनल। और कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम सब भी ठीक हैं। और आज ना थर्सडे है, थर्सडे वाली पूजा मेरी हो चुकी है और बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं और ये भी अपना ऑफिस के लिए अभी अभी निकले हैं। और आज ना नवरात्रि का चौथा दिन है, तो आप सबों को ना नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और यहाँ पर ना एक बैड न्यूज़ है, मेरा है जो सिलाई मशीन ये ख़राब हो गया है। देखिए, इसको मैं दे चुकी हूँ बनने के लिए और अभी मैं गई थी लाने के लिए ना, परसों मैंने दिया था तो बोला था दो दिन बाद आके ले लीजिएगा, तो मैं गई थी तो अभी दुकान बंद था। और कपड़े ना आए हुए हैं सिलने के लिए ना, तो टेंशन बन रहा है कि अब मैं कैसे दूँ सिलाई करके, क्योंकि टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा लॉस हो चुका है ना, ज़्यादा हड़बड़ाहट में तो दे नहीं सकती हूँ। देखिए अब क्या होता है, और भारी भी है ना, तो मैं खुद जाके नहीं ला सकती हूँ, इसको गाड़ी से ही लाना पड़ेगा ना। तो मैं और ये अभी गए हुए थे बट ना दुकान बंद था। अब देखिए कब तक खुलता है, पता करना पड़ेगा, फिर लाना पड़ेगा ना, क्योंकि सिलाई के कपड़ा बहुत ज़्यादा आया हुआ है मेरा, तो फिर वो भी मुझे सिल करके देना है। सब फ़ोन कर रहे हैं कि कब होगा कब होगा, और अभी ही मशीन को मेरा ख़राब हुआ। और अभी ना बच्चे स्कूल गए हुए हैं और अभी बज रहा है कितना, देखिए 10:30, ठीक है। और आज ना धूप भी आई हुई है तो गर्मी, मैंने कुछ ऑर्डर दिया था तो वो आ गया है, तो वो मैं जा रही हूँ रिसीव करने के लिए। नीचे भैया आ गए हैं, नीचे पे खड़ा है, चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। देखिए कुरियर आ गया है मेरा, चलिए देखते हैं ओपन करके कि कैसा आया है। मैंने ना दो ऑर्डर एक ही दिन लगाया था तो मुझे लगा कि दोनों आ गया होगा, बट नहीं, एक आया है। चलिए देखते हैं ओपन करके कि क्या कैसा आया है। और ये देखिए, ये ना ये देखिए, ये मैंने कंगन ऑर्डर दिया था और ये देखिए ना ये आ गया है 2.8 का ना, शायद मेरा बड़ा हो जाएगा एक का। देखते हैं ओपन करते हैं, ये ना दिख रहा है, ये देखिए इस तरीके से आया है। मीशो से मैंने ऑर्डर लगाया था और ये ना मुझे 158 का पड़ा है और ये ना बहुत अच्छा है, 158 का पड़ा है ना, ये बहुत ही अच्छा है, ये बहुत अच्छा लगेगा। आप ना इसे चूड़ी के बीच में डाल करके पहनोगे ना तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा, देखिए। और ये देखिए, ये ना मैंने हाथों में इसे डाल लिया है और इसमें जो ये मोती का वर्क दिया हुआ है ना, ये बहुत ही अच्छा है। बट ना मुझे लगता है कि ये साड़ी में थोड़ा सा पकड़ेगा, क्योंकि इनमें ना जो तार दिया हुआ है ना वो कहीं कहीं पे खुला हुआ है, अच्छे से मोड़ा हुआ नहीं है, तो उसमें साड़ी पकड़ सकता है। बट ये फिर भी बहुत ही अच्छा है, 158 में मिला है मुझे, तो ये बहुत अच्छा। आप इसे ना चूड़ियों के बीच में डाल करके पहनोगे ना तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा। ये हम लोग ना स्कूल से आ चुके हैं, यहाँ पर दीदी भी ना खाना लगा रही है, यहाँ पर चाट बना रही है और यहाँ पर मम्मी ना मक्खन निकाल रही है। ये देखिए यहाँ पर मक्खन निकाल रही है। हम लोग ना स्कूल से आ गए और जा रही हूँ मशीन लाने के लिए। चलिए ये भी जा रहे हैं और इनको ना जल्दी निकलना है, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको ना शॉप में मिलती हूँ एक ही बार। बन गया, और यहाँ पे ना फाइनली हम लोग शॉप पे आ चुके थे और यहाँ पे भैया चेक कर रहे थे मशीन हमारा बन गया था, बस वो बॉबिन लगाकर और देख रहे थे और सिलाई करके वो परफेक्ट करके ही देंगे। और यहाँ पे देखिए वो इस तरह से बॉबिन लगा रहे थे। और ये ना मशीन के लिए ना मुझे, मैं कल भी गई थी तो कल दुकान बंद था उनका, तो आज मैं फ़ोन लगा कर गई थी तो भैया ने बोला कि हाँ दुकान खुला है, तो फिर हम और ये जाकर ले आए।
और यहाँ पे ना फाइनली आज मेरा टेंशन ख़त्म हो गया, क्योंकि ना कपड़े भी सिलने के ढेर सारे आए हुए थे तो वो भी मुझे कंप्लीट करके देना है। तो अब मैं फटाफट से लग जाऊँगी अपने काम में। तो देखिए यहाँ पे ना भैया मशीन लगा करके वो कपड़ा सिलाई करके चेक करके फिर वो डन करके और देंगे। थोड़ा सा 19-20 हो जाता है तो उसको जोड़ जाड़ के मारते हैं ना तो अच्छा रहता है, ठीक है ना? और यहाँ पे ना आज बन गया मशीन, लेके जा रहे हैं घर। और ये ना फिर गेट तक पहुँचा देंगे मशीन, उसके बाद फिर ये चले जाएंगे। बाइक घुसा दिया है, फोर व्हीलर से जा रहे हैं। और यहाँ पे मैं इनको करवा दे रही हूँ बैक। और ये काम मैं रोज़ करती हूँ, मैंने आपको कई सारी वीडियो में बताया भी है कि मैं ये काम रोज़ करती हूँ। तो चलिए ये जा रहे हैं ऑफिस, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ घर पे। और यहाँ पे मशीन मेरा फाइनली आ गया है घर। और अब मैं इसे सेट कर दूँगी और अब फटाफट से सारे मैं सिलाई करूँगी जितने भी मेरे कपड़े आए हैं उतने हो सके। फ्रेंड्स तो वीडियो ना कल परसों दो दिन नहीं आ पाएगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं पूजा का टाइम है और मेरे पास ना ये प्रॉब्लम मशीन का हो गया, वरना टाइम नहीं लगता। मैं कपड़े अभी तक थोड़े 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 करके रोज़ सिल लेती तो हो जाता, बट सॉरी उसके लिए वीडियो नहीं आ पाएगा। मैं कोशिश करूँगी फिर भी कितना ज़्यादा है मेरे चेहरे पर देख सकते हैं। तो अब फटाफट से मेरा सिलाई चालू हो जाएगा, क्योंकि ना कस्टमर का कपड़ा तो फिर वो देना भी है ना इसलिए। और ये नीचे से ही निकल गए ऑफिस के लिए। तो वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, मिलती हूँ आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।